अब तक आपने देखा, मोहन पेपर्स पर उसके हस्ताक्षर को सूरजभान की चाल मानता है, पर गौरी के कहने पर सारे घरवाले घर के पेपर्स ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ नीरज के पेपर्स ढूंढने पर कमला परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि पेपर्स घर में है ही नहीं। दादी कमला को डांटती है कि वो ही ये रिश्ता लाई थी गौरी के लिए, पर कमला बहस करती है कि उसको नहीं पता था कि विक्रम की आड़ में सूरजभान गौरी से शादी करना चाहता था। गौरी पेपर्स लेके नीरज के साथ नीरज की बॉस मोनिका से मिलने जाती है। ऑफिस में मोनिका गौरी और नीरज से कहती है कि पेपर्स पर साइन असली है या नकली, ये फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, और वो ये भी कहती है कि वो शाम को घर आकर बाकी की बातें करेगी। अब आगे, सूरजभान को जिसने भी वो पेपर्स दिए होंगे, वो जरूर कोई आपका जान पहचान वाला या नजदीकी होगा। जान पहचान वाला? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी रिश्तेदार इस बीच तो घर में आया ही नहीं, और जो है बस हम ही लोग हैं, और घर में से तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। और भला परिवार वाला कोई क्यों देगा सूरजभान को पेपर्स? आप हमें इस तरह क्यों घूर कर देख रही हैं? एक्सक्यूज मी, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए मैडम, ज्यादा अंग्रेजी ना मत बोलिए हमारे सामने। एक तो आप हमारे घर आई, ऊपर से कह रही हैं हमें इसे किसी ने पेपर्स दिए होंगे, और फिर हमें ऐसे घूर रही हैं। आप हमारी मदद करने आई हैं या हम परिवार वालों में फूट डालने? देखिए आप गलत समझ रही, मैं आप पर या आपके परिवार पर उंगली नहीं उठा रही। रहने दीजिए मैडम, हमने भी ना बहुत दुनिया देखी है। कमला, ये क्या तरीका? मैडम जी हमारी मदद करने आई हैं और तुमों की? तुम तो चुप ही रहो जी। दुल्हन, घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। चलो जाओ अपने कमरे में। बबलू, अरे पूरा घर लगा है उस छिपकली की ना तरफदारी करने। इस घर की बहू को घूर कर देख रही थी वो कुछ नहीं, और हमने चार कड़वे शब्द क्या बोल दिए? सब लोग ना हमें पे हुक्का पानी लेकर चढ़ गए। जी कमला, बहू के इस बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल मैं बहुत ही गर्म मिजाज की है वो, उसे खुद पता नहीं चलता वो कब क्या कह रही है। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए अंकल, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। शायद मेरी वजह से कमला को कोई गलत फहमी हुई है, और आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। मुझसे जो भी होगा मैं वो करूंगी, और आपके परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी जी। थैंक यू मैडम जी। डोंट बी फॉर्मल गौरी, वी आर फैमिली। तो दादी अंकल मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। आइए मैडम जी, हम आपको बाहर तक छोड़कर आते हैं। आप बोलो गुंजन। अब तुम्हें क्या बताएं विक्रम, घर पे सब बहुत परेशान है, पता नहीं क्या होगा। हम समझते हैं गुंजन, पर हम भी बहुत परेशान हैं। हमें भी तो समझने की कोशिश करो। क्यों विक्रम, तुम्हें क्या हुआ अब? गुंजन हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तो ठीक है, तुम एक काम करो,
तुम घर पे सबको बता दो हमारी मैरिज के बारे में, फिर हम दोनों साथ साथ रहेंगे और तुम्हें हमें मिस भी नहीं करना पड़ेगा। किससे बात कर रही हो गुंजन? हेलो गुंजन, वो भाभी हमारी सहेली सीमा से और किससे? अच्छा, सीमा का? जरा हमें भी तो दिखाओ अपना फोन। भाभी क्या अभी हम थोड़ी कोई छोटी बच्ची हैं जो आप हमारा फोन चेक करेंगी, और ऐसे भी हम थोड़ी कोई गलत काम कर रहे थे, सिर्फ फोन पे तो बात कर रहे थे। वैसे भाभी हमें कुछ जरूरी काम है, अब हम जरा भी आते। विक्रम अचानक बात करना बंद क्यों कर दिया? दीदी पता नहीं गुंजन ने फोन क्यों काट दिया। दीदी हमें लगता है कि हमें गुंजन को सूरज भान की सच्चाई का बता देना चाहिए, और उसे बता देना चाहिए कि हम देवर भाभी नहीं हैं, हम भाई बहन। हाँ विक्रम, हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। कमला बहू के रोज रोज के कला और बदतमीजी से तंग आ चुके हैं हम, घर वालों की तो जाने दो, उसे इतनी भी तमीज नहीं कि बाहर वालों से कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए। बाबूजी, एक तो कोई बाहर की औरत आकर आपके घर की बहू को भला बुरा बोल गई, और आप सब सुनते रहे और क्या चाहते हैं? इतना कुछ होने के बाद भी हम चुप रहे, कुछ ना कहे। वाह बाबूजी, ये कहां का इंसाफ हुआ? कमला बहू, मोनिका जी हमसे बात करने आई थी, हमारी मदद के लिए आई थी, और तुम उन्हीं पर। भाभी आप बाबूजी और दादी के सामने इतनी ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हैं? मत भूलिए कि आप इस घर की बहू हैं, और दादी और बाबूजी इस घर के बड़े हैं। गौरी ज्यादा उछलो मत। अरे हम जानते नहीं क्या? शादी तुम्हारी टूट और तुम सब मिलकर गुस्सा हम पर निकाल रहे हो। हम तो पहले से ही जानते थे कि जिस लड़की का चाल चलन ऐसा हो उससे कौन करेगा शादी। भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? झूठ कहे तो कहो, तुम ही बताओ गौरी, जो किसी और के साथ बदनाम हो चुकी हो उससे भला कौन करना चाहेगा शादी? हम तो कहते हैं ना, ठीक ही किया विक्रम ने जो पीछे हट गया। अपने परिवार का मान रखने के लिए ना सूरज भांजी मान गए हो, और करना चाहते हो तुमसे शादी। हम तो कहते हैं ना गौरी, यही है तुम्हारी किस्मत। अरे कर लो शादी, कम से कम तुम्हारी वजह से ना हम परिवार वालों को घर से बेघर तो नहीं होना पड़ेगा। कमला ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं। सुलहिन अपनी जबान संभाल कर बात करो, और तू खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है? जवान संभाल अपनी महिला रुकी। भाभी आप क्यों हर बार हमारे चरित्र पर कीचड़ उछालती हैं? हर बात को घुमा फिराकर हम पर ही क्यों थोप देती हैं? आखिर ऐसा क्या किया है हमने? अब हमें क्या पता गौरी कि क्या किया तुमने, पर जो अनजान सामने दिख रहा है वही कह रहे हैं हम। ए दुल्हन
हम तुमसे बार बार नहीं कहेंगे। और ना ये घुमा फिराकर गौरी पर इल्जाम लगाना बंद कर दो। और हाँ, तुमने नीरज की बॉस की बेइज्जती क्यों की? दादी मत भूलिए कि हम इस घर की बहू हैं। कोई हमसे बदतमीजी करते रहेगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे? इतने भी कमजोर नहीं है, यह हमसे नहीं हो सकता है। लेकिन कमला मैडम जी, तुम्हारी प्रॉब्लम समझकर हमारी हेल्प करने आई थी। तुम्हें कोई हक नहीं उनकी इस तरह से बेइज्जती करने का, समझी तुम? अब वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में और हमारे परिवार के बारे में? बोलो, चुप क्यों हो तुम? तुम तो चुप ही रहो जी। हम खूब जानते हैं ऐसी औरतों को, काम और मदद के बहाने दोरे डाल रहे हैं तुम पे। पर तुम्हें कोई बात समझ में आए तब ना। कमला तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या अनाप शनाप बके जा रही है? एक तो मैडम जी हमारे घर में आकर हमारी हेल्प करने आई थी, उल्टा तुम उन्हीं के शरीर पर क्वेश्चन मार्क कर रही हो। अरे कोई लाश शर्म बची है कि नहीं तुम में? मत भूलो कि तुम भी एक औरत हो। औरत है इसीलिए हम अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसी औरतें ना मौके की ताड़ में रहती है, कैसे मर्दों को फंसाया जाए, और तुम हो कि फंसते ही चले जा रहे हो। कमला अब एक शब्द और नहीं। आपने ऊपर हाथ उठाया अपनी बीवी पर? अरे तो इतना काहे बिगड़ रही है? पति है, अगर एक थप्पड़ मार दिया तो कौन सा पूरा किया? इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर आज तक आपने कभी हमें आंख भी नहीं दिखाई। पर आज ये पराई औरत के बारे में हमने जरा सा बुरा क्या बोल दिया? सारी शराफत भूल गया? बोलिए मत उठाया। आज कहाँ चली गई आपकी सभ्यता? बोलिए। सभ्यता? तुम सभ्यता की बात करती हो? उस समय ये सभ्यता कहाँ गई थी? तुम जब गौरी पर झूठे इल्जाम लगा रही थी, उसको कोसने में लगी हुई थी, तो गौरी की भाभी हो ना? और भाभी तो मां समान होती है, और इस मुश्किल घड़ी में उसे अपने आंचल में समेटने के बजाय तुम उसी को कोसने में लगी हो। दुल्हन, इस समय पूरा परिवार मुश्किल की घड़ी में है कि इस परेशानी को कैसे समेटा जाए, और तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। अरे तुम्हें पता भी है, नीरज अगर अपनी बॉस को घर लाया था कि हमारी मदद हो सके, और तुम उसी पे शक कर रही हो। अरे दुल्हन, तुम्हें पता भी है कि कितना पैसा लगेगा? अरे हम खाने के मोहताज हो जाएंगे। हाँ कमला, दादी ठीक कह रही। तुम्हें पता है अगर हम बाहर जाके मदद मांगेंगे तो कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? ये तुमने गहने पहन रखे हैं ना, इसको तो भूल ही जाओ। अरे तुम रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाओगी तुम। और हाँ, आज एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, हम इस परिवार के बड़े बेटे नीरज श्रीवास्तव हैं। अरे हमारी भी जिम्मेदारियां और कुछ कर्तव्य बनते हैं अपने परिवार के प्रति। दुष्ट औरत, हमारे प्रति? हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं आपका? तो हम तुम्हें कौन से छोड़कर विलायत चले जा रहे हैं? अरे हम तो यही हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने। लेकिन आज हमारे परिवार को हमारी ज्यादा जरूरत है।
और बदले नहीं है हम कमला, हम आज भी तुम्हारे पति हैं और मरते दम तक तुम्हारे पति रहेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि एक अच्छी पत्नी एक अर्धांगिनी बनकर हमारे और हमारे परिवार का साथ दो, समझी? साथ दे? क्या साथ दे हम आपका? यही कि आप हमें सबके सामने थप्पड़ मारे और हम अपना दूसरा काल भी आपके आगे कर दे, यही साथ दे? तो मारिए, मारिए हमें, दादी से तो कह दिया हमने कि सब ठीक हो जाएगा, पर कैसे ठीक होगा? क्या कर पाएंगे हम? कैसे लड़ेंगे सूरज भान से? कहीं बाबूजी का घर उनसे छीन लिया गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? हे माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप? हम कहाँ जाएं अपना दर्द लेकर, किससे बांटे अपना दुख? एक शिव है पर उसका फोन भी नहीं लग रहा, हमसे सब अकेला नहीं संभल पाएगा माँ, नहीं संभल पाएगा। ऊ ला 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 ला, शेरनी की आंखों में आंसू। गायब भी हो गए। वो सूरज भाग, उसने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। अच्छा? और जब मैंने कहा था तब तो मेरी बात मानी नहीं, हम्म? और मुझे पिटते हुए देख के चुपचाप चली गई। हमें माफ कर दो, तुम तो हमेशा से सही थे, समझने में देर लग गई। ये बात तो है, शिव तो हमेशा ही सही होता है। हाँ, पर अब क्या करें? तुमसे शिकवा शिकायत करके ये बेचारा शिव कहाँ जाएगा? अभी एक काम करो, ये जो तुम्हारी आंखों से हीरे मोती टप टप करके टपक रहे हैं, इन्हें पहुंच दो, क्योंकि शेरनी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम्हें पता है वो सूरज भान, वो हमारा घर हड़पना चाहता है और उसने एक शर्त भी रखी है, अगर हम उससे शादी कर लेंगे ना तो वो हमारे घर पर कब्जा नहीं करेगा। लगता है उस बुड्ढे सूरज भान की मौत आई है जो शेरनी से शादी करना चाहता है। जैसी हो वैसी रह कर, ये रोंदू जैसा जब मुंह बनाती हो ना, ऐसे रोंदू सा मुंह मत बनाया करो, समझी? चलो, वादा करो गौरी कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मानोगी और डट के सामना करोगी।
हर मुसीबत का। हम वादा करते क्योंकि तुम हमारे साथ। वादा करते हैं हम। दीदी क्या हुआ? क्या हुआ दीदी, आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं।